Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and let's continue with our English literature book, that is Marigold. So last class mein humne unit 1 poem discuss ki thi, Wake Up. So Wake Up call I think aap sabko clear hai. Aaj hum discuss karenge Neha's alarm clock. So ek unit mein ek jaisi cheeze hoti hain. Humne wake up discuss kiya. Wake up ka matlab utho, jago, get back to your work again. उसमें क्या था कि हमें सुबह उठना है और अपने काम की तरफ लग जाना है. उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है नेहाज अलार्म क्लॉक. तो यहाँ हम एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है नेहा, उसके अलार्म क्लॉक की हम स्टोरी डिस्कस करेंगे कि उसकी घड़ी के साथ ऐसा क्या हुआ कि हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले हम स्टोरी को रीड आउट करेंगे और उसका वर्ड मीनिंग भी डिस्कस करेंगे और साथ में ही स्टोरी का पूरी मीनिंग भी देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नेहाज अलार्म क्लॉक. नेहा की अलार्म. अलार्म होता है जगा देने वाला, ठीक है, उठा देने वाला, आपको अलर्ट कर देना. अलर्ट, अलार्म मीन्स अलर्ट. तो घड़ी हमें क्या करती है, अलार्म क्लॉक बजती है तो हमें एकदम टाइम का पता लगता है कि भाई ये टाइम हो गया, हमने अलार्म लगाया कि सुबह 6 बजे उठना है, तो हमें पता लग जाएगा अलार्म बज गया, इसका मतलब 6 बज गए, है ना. तो नेहा के अलार्म क्लॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नैरेटर. नैरेटर होता है हु नैरेट्स द स्टोरी, यानी कि स्टोरी को बताने वाला, बोलने वाला, ठीक है. रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. रिंग 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 मतलब कि बजती है, घंटी बजती है, बेल बजती है या फिर अलार्म क्लॉक बजती है. तो ऐसा नहीं कि ट्रेन रुक गई, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, फोन भी बजेगा तो कंटिन्यू बजता रहता है थोड़ी देर तक, है ना. तो एक लंबी सी अलार्म क्लॉक की आवाज़ सुनाई देती है. ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning, यानी कि सुबह 6 बजे अलार्म क्लॉक बजती है. ऑफ गोज का मतलब क्या होता है, वेन समथिंग इज लीविंग, कोई चीज़ छूटती है या फिर कोई चीज़ पूरी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑफ गोज, यानी कि टाइम पूरा हो जाता है अलार्म क्लॉक का और अब उसका बजने का सही समय हो जाता है. तो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में 6 AM पर क्लॉक जो है बजती है, रिंग करती है. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो. तो नेहा क्या करती है, मेक्स अ फेस का मतलब है मुंह बनाती है. जब हम सुबह उठना चाहते हैं, नहीं उठना चाहते हैं और टाइम हो जाता है स्कूल का, मम्मा बोलती हैं चलो जल्दी उठो स्कूल जाना है, टाइम हो गया, तो हम कितना गंदा सा फेस बनाते हैं कि नहीं अभी और सोना है या अभी नहीं जाना, थोड़ी देर और सोने दो. इस तरीके से जो हम फेस बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, चिढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेक्स अ फेस. ऑलराइट, सो नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो. तो नेहा क्या करती है, मूसा बनाती है और अपने आप को, अपने ईयर्स को, कानों को ढक लेती है. किसके साथ, पिलो के साथ, ठीक है, तकिए के साथ अपने कानों को ढक लेती है. स्नगल्स अंडर द वॉर्म ब्लैंकेट. स्नगल होता है घुस जाना, ठीक है. स्नगल का मतलब क्या होता है, आराम से लेटना. तो स्नगल करती है वो अंडर द वॉर्म ब्लैंकेट, गर्म चादर के अंदर अपने आप को मुंह ढक के आराम से लेट जाती है, ठीक है. स्नगल का मतलब होता है एट रेस्ट पोजिशन, ठीक है, टू टेक रेस्ट और आराम से लेट जाना. तो स्नगल्स अंडर द वॉर्म ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को घुसा लेती है. बट शी नोस शी हैज टू गेट अप, लेकिन उसको पता है कि उसे उठना है, उसे उठना पड़ेगा, ठीक है. शी मटर्स टू हरसेल्फ. मटर का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, धीरे से कोई चीज बोलना, फुसफुसाना, उसको क्या बोलते हैं, मटर. शी मटर्स टू हरसेल्फ, वो अपने आप से बड़बड़ाती है या बोलती है धीरे से. नेहा क्या बोलती है, अब हम वो देखेंगे. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. तो नेहा क्या बोलती है, डिस्कस करते हैं. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6. कहते हैं कि ये अलार्म क्लॉक, ये जो घड़ी है, ये हमेशा बजती है 6 बजे, अपने आप 6 बजे बज जाती है. एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बेड से बाहर निकालती है, यानी कि
उठा देती है, मुझे जगा देती है. इट्स सो अनफेयर. कितना अनफेयर है, यानी कि कितना गलत है, कितना अन्याय है. अनफेयर मतलब अन्याय, यानी कि जो सही ना हो, है ना. तो वो बोलती है कि कितना गलत करती है ये, कितना अन्याय करती है मेरे साथ. ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. कि हे भगवान, मैं कितना पसंद करती हूँ सुबह थोड़ी देर और सोना. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम. मैं ये विश करती हूँ, ये कामना करती हूँ, ये थॉट करती हूँ कि किसी दिन तो ये अपना जॉब यानी कि अपनी ड्यूटी भूल जाए, कि कभी तो ऐसा दिन आए जब ये बजे ही ना सुबह और मैं आराम से सोती रहूँ. ठीक है, तो नेहा बेसिकली क्या है, एक लड़की है जो कि सो रही है और उसकी अलार्म क्लॉक बजती है सुबह 6 बजे, जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हो जाती है. वो थोड़ी देर और सोना चाहती है लेकिन उसको पता है कि अब उसे उठना पड़ेगा. तो वो कहती है कि हे भगवान, ये हमेशा 6 बजे अपने आप क्लॉक बज जाती है कि ये कभी अपना काम करना भूलती क्यों नहीं, कभी तो ऐसा दिन आए जब ये क्लॉक सुबह 6 बजे ना बजे और मैं आराम से सोती रहूं. तो आगे देखते हैं, नैरेटिव यानी कि जो स्टोरी सुना रहा है वो बोलता है, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स. नैरेटर बताता है कि कुछ गिरता है, समथिंग फॉल्स, कुछ नीचे गिरता है और नेहा खुश हो जाती है, नेहा स्माइल करती है. अब नेहा क्या बोलती है, ओह माय क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. तो नेहा क्या बोलती है, ओह मेरी अलार्म क्लॉक गिर गई. फॉलन मतलब गिरना. तो नेहा बोलती है कि मेरी अलार्म क्लॉक गिर गई, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ. टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं लेट उठ सकती हूँ, कल मैं सुबह लेट उठ सकती हूँ अब. तो नैरेटर क्या बोलता है, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म. अगले दिन कोई अलार्म क्लॉक बजती नहीं, क्योंकि अलार्म क्लॉक गिर के टूट गई, खराब हो गई, तो सुबह कोई अलार्म क्लॉक नहीं बजती. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. तो नेहा सोती है और सोते ही रह जाती है. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम्स एट द विंडो सील एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्लीप स्टिल स्लीपिंग. दोबारा से देखते हैं ये लाइन, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स. चिरपी, चिर्प बेसिकली क्या है, हमने लास्ट पोएम में भी डिस्कस किया था वेकअप में, साउंड ऑफ बर्ड्स, चिर्प चिर्प बोलते हैं जैसे, है ना, पक्षी जो चहचहाते हैं या चू चू की आवाज, जो भी पक्षी आवाज निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स. तो द स्मॉल चिर्पी बर्ड्स यानी कि जो चिर्पी का मतलब बेसिकली उत्साहित होता है, खुश होना होता है, जो एकदम एनर्जेटिक हो. तो जो छोटी छोटी नन्ही चिड़ियाएं थी वो खुश होती हैं. विच कम टू द विंडो सील एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. तो जो हर रोज विंडो सील का मतलब क्या है, जो नेहा के रूम में विंडो लगी हुई है उसके सील पे यानी कि उसके सिरहाने पे चिड़िया आती थी डेली, हर सुबह आती थी. तो वो देखती हैं कि नेहा अभी तक सो रही है, नेहा स्टिल स्लीपिंग. उनको हैरानी होती है कि अभी तक नेहा कैसे सो रही है. बर्ड्स बोलती हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. तो बर्ड्स क्या बोलती हैं कि उठ जाओ नेहा, जल्दी उठ जाओ. तो नैरेटर बताता है कि नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. तो नेहा एक नई शुरुआत के साथ उठ जाती है. नेहा क्या बोलती है, ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. तो नेहा क्या बोलती है कि नहीं, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, कि अगर अलार्म क्लॉक नहीं तो इट्स दीज बर्ड्स, तो ये पक्षी हैं, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, कि ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते. तो नेहा क्या बोलती है कि अगर घड़ी नहीं बजी तो ये पक्षी क्यों आए और इन्होंने मुझे क्यों उठाया, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते और मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे. तो नैरेटर बताता है, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, कि नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, दीज देयर आर नो बर्ड्स ईदर. ईदर का मतलब जब दो सिचुएशन होती हैं कि या तो ये, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ईदर का. ठीक है, ईदर को आइदर भी बोल देते हैं, यानी कि दोनों में से एक. तो ये क्या है, ईदर, ईआई टी एच ई आर.
तो नेहा क्या बोलती है, द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, कि अगली सुबह केवल अलार्म क्लॉक ही नहीं बल्कि देयर आर नो बर्ड्स इधर, कि उसके साथ साथ कोई बर्ड्स भी नहीं होती, यानी कि अगली सुबह ना तो कोई घड़ी नेहा को उठाने वाली है और पक्षी भी नहीं उठाते हैं, तो ना तो उसके पास कोई घड़ी है जिसके कारण वो उठ सके, और साथ में जो पक्षी आ रहे थे उसे उठाने वो भी सोचते हैं कि हम क्यों उठाएं जब नेहा चाहती नहीं उठना, तो वो भी नहीं आते। बट देयर इज समवन एल्स who does not want her to miss the school bus, लेकिन वहाँ कोई और है, someone else, यानी कि कोई और है, who does not want her to miss the school bus, जो कि नहीं चाहता कि वो अपनी school bus को miss कर दे, यानी कि next morning ना तो कोई alarm clock ring कर रही है और ना ही कोई birds chirping करके उसे उठा रहे हैं कि उठ जाओ, बल्कि कौन है, कोई और है जो कि नहीं चाहता कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए। तो चलो देखते हैं कि वो कौन है जो नहीं चाहता कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए। कैन यू गैस हु इट इज, तो क्या तुम गैस कर सकते हो कि कौन है, देखते हैं कौन है, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। द बिग ब्राइट सन, यानी कि बड़ा सा, ब्राइट का मतलब जो चमकदार हो, शानदार, एकदम उत्तेजित, यानी कि बहुत ज्यादा जिसकी रोशनी हो, तो बिग ब्राइट सन यानी कि बड़ा सा चमकता हुआ सूरज, ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, तो जो बड़ा सा सन है यानी कि सूर्य देवता, जो सूरज भगवान है, वो क्या करते हैं, उसके कमरे को अपनी स्माइल से भर देते हैं। आपने देखा होगा मॉर्निंग में जब सूरज चमकता है तो हमारे घर में, पूरे घर में रोशनी हो जाती है ना, तो ऐसे ही नेहा के रूम में, क्योंकि विंडो है, विंडो से सन एंटर करता है और पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, यानी कि पूरा कमरा चमकता है, लाइट की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही नेचुरल लाइट वहां पे आ जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग कौन आता है, द बिग ब्राइट सन, ठीक है, तो बड़ा सा सूरज जो आता है वो नेहा के कमरे में अपने स्माइल से रोशनी भर देता है। तो नेहा क्या बोलती है, ओह माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी, तो अब नेहा क्या बोलती है कि अरे मेरी आंखें, यानी कि जब सूरज की रोशनी उसकी आंखों पे पड़ रही है, गिर रही है, तो उसकी आंखों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे कि हम सोते हैं रात को लाइट ऑफ कर देते हैं, तो जब मॉर्निंग में कोई लाइट ऑन करता है तो हमें डिस्टर्बेंस होती है कि लाइट किसने ऑन कर दी है ना, तो वैसे ही जब सन की रेज उसकी आंखों पे गिरती हैं तो वो कहती है कि ओह मेरी आईज, मतलब मेरी आईज को लग रहा है, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, तो अब सूरज आ गया मुझे उठाने के लिए, मुझे जगाने के लिए, Why can't he let me be, कि वो मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता, let me be का मतलब जैसा मैं हूँ मैं ठीक हूँ, तो वो बोलती है कि सूरज मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ता, मुझे आराम क्यों नहीं करने देता, सोने क्यों नहीं दे रहा, मुझे क्यों जगा रहा है, तो नैरेटर बोलता है Even this wish of Neha's come true, कि यहाँ तक कि, even का मतलब यहाँ तक कि नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग सन भी नहीं आने वाला उसे उठाने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं, बादल, तो अगले दिन क्या होता है, सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, सो नो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, तो स्नोर का मतलब क्या होता है, खरांटे लेना, ठीक है, नेहा स्नोर स्टिल हर टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, कि जब तक नेहा को उसकी मदर की आवाज नहीं आती वो आराम से सोती है, खरांटे लेती है, ठीक है, तो मदर, मदर क्या बोलती है, वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, तो मदर क्या बोलती है कि उठ जाओ स्लीपी हेड, हमने पोयम में भी डिस्कस किया था, जल्दी से बताइए क्या मीनिंग होता है स्लीपी हेड का, लेजी पर्सन है ना, जो सोता रहे यानी कि बहुत ही ढीला हो, तो नेहा की मदर उसको क्या बोलती है, वेक अप यू स्लीपी हेड, उठ जाओ
हर टाइम लेजी सोते ही रहती हो, उठ जाओ, यू विल मिस द बस. तुम अपनी बस को मिस कर दोगी. अगर तुम ऐसे ही सोती रही तो तुम अपनी बस को मिस कर दोगी. इसलिए जल्दी से उठ जाओ, डोंट बी लेजी. ऑलराइट, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? तो नेहा बोलती है कि नहीं भाई, मम्मी क्यों मुझे उठा रही हैं, कि मेरी मदर को क्या जरूरत है मुझे उठाने की. तो मदर क्या कहती हैं, मदर नेहा को बोलती हैं कि सोते ही रहोगे क्या, जल्दी उठ जाओ वरना तुम्हारी स्कूल बस मिस हो जाएगी. तो नेहा बोलती है कि अरे नहीं मम्मी, मुझे क्यों उठा रही हैं, कि मुझे सोने क्यों नहीं दे रही. हमें अभी तक क्या समझ में आया कि नेहा ऐसी लड़की है जिसको बहुत सोने का मन है और वो स्कूल जाने में आलसी है, लेजी है ना. तो नेहा को अलग अलग चीज़ें आती हैं उठाने के लिए. जैसे कि सबसे पहले कौन आती है, अलार्म क्लॉक बजती है एट 6 AM, ठीक है. उसके बाद उसकी अलार्म क्लॉक टूट जाती है तो नेक्स्ट डे बर्ड्स आती हैं छोटी छोटी कि वो उठ जाए वरना वो लेट हो जाएगी. अब बर्ड्स भी नहीं आती नेक्स्ट डे तो ब्राइट सन आ जाता है, बिग ब्राइट सन आता है नेहा को उठाने के लिए ताकि उसकी स्कूल बस मिस ना हो. लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज बादलों के पीछे छिप जाते हैं. तो अब कौन आता है, अब आती है उसकी मम्मी की आवाज कि नेहा उठ जाओ वरना तुम्हारी स्कूल बस मिस हो जाएगी. तो नेहा अपनी मम्मा को बोलती है कि आप मुझे क्यों उठा रहे हो, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे, है ना. तो अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं क्या है. तो अब नैरेटर बताता है देयर इज नो एस्केप नाउ, कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है. नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी. तो नेहा अब उठ जाती है और तैयार हो जाती है. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन का मतलब सोचना, अपने मन में खुद से सोचना कि अब आगे क्या हुआ होगा. तो क्या आप सोच सकते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ होगा, नेहा को किसने उठाया होगा, देखते हैं. नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट. नेहा उठ जाती है, तैयार हो जाती है. हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock. उसकी वॉच कहती है कि 6 बज गए. शी कॉल्स आउट टू हर मदर. वो उसकी मदर उसको बुला लेती है. ऑलराइट, सो नेहा, माँ हू वॉक मी अप टुडे? तो नेहा अगले दिन उठ जाती है, 6 बज जाते हैं और वो अपने मदर के पास जाती है. शी कॉल्स आउट टू हर मदर. वो अपनी मदर के पास जाके क्या बोलती है, माँ हू वॉक मी अप टुडे, कि आज मुझे किसने उठाया है. तो नैरेटर बताता है कि अब उसकी मदर स्माइल करती हैं. मदर स्माइल्स, मम्मी खुश हो जाती हैं. मदर बोलती हैं हु एल्स, एल्स का मतलब कौन, ठीक है, मतलब कि और कौन, ठीक है. हु एल्स मतलब और कौन, यू ऑफ कोर्स, कि तुमने खुद को जगाया है. तो नेहा बोलती है बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, कि मैं तो सो रही थी तो मैं अपने आप को कैसे जगा सकती हूँ. तो मदर बोलती है नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 PM. तो उसकी मदर उससे पूछती है कि चलो मुझे बताओ कि रोज तुम अपना लंच 1 PM में कैसे खाती हो. तो नेहा बोलती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है, मुझे भूखा महसूस होता है कि मुझे भूख लगी है इसीलिए खाती हूँ. तो मदर बोलती है व्हाई डू यू स्लीप एट 9 PM? तो उसकी मदर बोलती है कि ये बताओ कि रोज तुम 9 PM क्यों सोती हो. तो नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे 9 PM नींद आने लग जाती है. तो मदर बोलती है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप. तो उसकी मदर बोलती है कि देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, कि तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है जो कि तुम्हें बताती है, विच टेल्स यू, जो तुम्हें बताती है व्हेन टू ईट, कि कब खाना खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, व्हेन टू वेक अप, और कब जागना है या कब उठना है. तो हमारे अंदर एक ऐसी अलार्म क्लॉक है जो कि हमें रिमाइंड करवाती है चीज़ें. आप सभी को उठाने के लिए तो मदर की हेल्प चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि अब मुझे भूख लग रही है, आप बोलोगे मम्मा कुछ खाने को दो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है ना. तो वो आपको कैसे पता लगा, जो आपके अंदर क्लॉक है उसने आपको याद दिलवाया कि तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें
सोना है तो तुम ये नहीं कहोगे कि मम्मा मुझे मैंने सो रहा, तुम कहोगे मम्मा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है ना। तो सोने का कैसे पता लगा? जो तुम्हारे अंदर क्लॉक है वो तुम्हें बताती है, और ऐसे ही वही क्लॉक तुम्हें ये भी बताती है कि तुम्हें उठना कब है। जब पेपर होते हैं तो हम जल्दी उठते हैं, और जब नॉर्मल स्कूल होते हैं तो हम सोचते हैं अरे थोड़ी देर और सो जाते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड हमें बताता है, हमारा माइंड एक क्लॉक ही तो है जो हमें रिमाइंड करवाता है सारी चीजें, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टोरी। नेहा, ओह ओह आई बेटर रश नाउ। रश का मतलब होता है जल्दी, कि ओह ओह मुझे जल्दी करनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, कि मैं अपनी स्कूल बस को मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। मदर, रिलैक्स टूडे इज संडे, कि आराम करो आज संडे है, यानी कि संडे इज अ हॉलीडे, तो आज उसके स्कूल की छुट्टी है। तो मदर कहती है कि आराम से करो आज तुम्हारी छुट्टी है। नेहा, ओह ओह ओह, तो वो खुश हो जाती है। तो दिस पोएम इज रिटन एडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। तो गिरिजा रानी अस्थाना ने ये पोएम उठाई है कहाँ से? नेहा के अलार्म क्लॉक से। ऑल राइट, सो ये पोएम बोल दिया मैंने, दिस इज अ स्टोरी बाय नेहा, ठीक है। नेहा की स्टोरी है ना, दिस इज अ स्टोरी ऑफ नेहाज अलार्म क्लॉक। तो अभी हमने लास्ट पोएम डिस्कस की थी वेकअप, और नेक्स्ट हमने स्टोरी डिस्कस की नेहाज अलार्म क्लॉक। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों हमें इम्पोर्टेंस बताते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए, अपने काम को टाइम पे करना चाहिए। तो आई होप आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स भी देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्नगल्स। तो स्नगल्स का मतलब होता है आराम से लेटना, ठीक है। मटर्स का मतलब होता है कोई चीज धीरे से बोलना या फुसफुसाना, बड़बड़ाना। स्लोली जब हम बोलते हैं, यानी कि जब हम ज्यादा लोगों को नहीं चाहते कि वो बात सुने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मटर्स। नेक्स्ट इज विंडो सील होता है, जो खिड़की की सील होती है नीचे, यानी कि खिड़की है ओपन करी, तो जो स्टैंड जहां पे आप हाथ रख सकते हैं या पक्षी बैठ सकते हैं बेसिकली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज रिलैक्स। रिलैक्स मतलब चिल आउट, यानी कि आराम करना, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेहाज अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है? जितने भी वर्ड मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन करोगे, साथ में वर्ड्स को लिखोगे भी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई होप मैक्सिमम बच्चों ने तो लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया फिर से लिंक दे देंगे, आप वहां से लिंक ओपन करें। वहां पे आपको सारे वर्ड मीनिंग लिखे हुए मिलेंगे, उनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और वापस से शेयर करेंगे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कितने बच्चों ने काम किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।